आप अभी ऊपर नहीं हो गया ओन एक्जेक्ट लिए नाम भी अभी तक हमको पता नहीं, इसलिए हम लोग यहाँ में धरना बैठा हुआ है कि हम लोग को कल्पुर को जल्दी बुला दीजिए, रेस्पेक्ट है ना, ये बात। पाइंग साहब क्या का प्रोटेस्ट कर रहा है लड़का लोग? ये लोग लड़का लोग कल एक इंसिडेंट हुआ, सेपा के कुछ लड़का लोग आके यहाँ लेपोरियांग लड़का लोग का कुछ हाथापाई हुआ, इसका वजह से उन लोग आज थोड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है। तो जिस जिसको यहाँ सेपा पार्टी ने लड़का लोग जो मारा हो, थोड़ा इंजूर है, वो सिरे से बोला मेडिकल में है। और उससे पहले परसों एक इंसिडेंट हुआ था, सेपा के एक लड़का को यहाँ का लेपोरियांग लड़का पिताई बोल के पाकिस्तान थाना में आया हुआ था, तो वो उसमें MLC वगैरह सब कुछ किया है, लेकिन वो जो हम लोग का पाकिस्तान का जुरिस्डिक्शन नहीं होने के कारण से उसको यहाँ सगाली PS में उसको MLC मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह करने के बाद यहाँ कंप्लेंट लॉज करने के लिए उसको भेज दिया था। तो उसके बाद वो चला गया, पता नहीं कल फिर क्या इंसिडेंट हुआ, तो यहाँ फिर कल फिर एक हाथापाई हुआ बोला, इसके वजह से ये आज यहाँ हम लोग प्रोटेस्ट कर रहा था। तो ये लोग का जो डिमांड क्या है सर अभी? उन लोगों का डिमांड है कि जिसने भी उस दिन काल ग्रुप आके जो पिटाई किया उसको अरेस्ट करना है, वही डिमांड है। और तो उसे जल्द से जल्द अरेस्ट करना है, और नहीं तो ये एग्रीवेट हो सकता है। तो आप पाकि के सांग से यहाँ आए हैं, उन लोग को बात करने के लिए, सगाली वाला काउंटर पार्ट सगाली का साथ आपका बातचीत हुआ होगा ना सर? हमें सगाली ऑफिस से बात किया था, उन्होंने भी केस रजिस्टर किया है, और उन लोग सेपा काउंटर पार्ट में ऑलरेडी उन्होंने मैसेज पास कर चुका है। तो उन लोग अभी सेपा में SP सार से भी मैं बात किया, SP सार अभी जो हम लोग पाकिस्तान का इंचार्ज भी है सेपा का SP, तो उसे मैं बातचीत किया, उसने भी वहाँ एक्टिवेट कर दिया कि वो जल्द से जल्द अरेस्ट हो जाएगा। आप लोग क्या का प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ सड़क जाम करके? यहाँ ऐसे हो रहा है, कल करीबन 2 बजे जैसे को ग्रुप ऑफ पीपल कम फ्रॉम सेपा साइड, वो इंसिडेंट्स हुआ गांव में आके 30 जैसे मेंबर आके मारामारी हुआ। इंसिडेंटली एक भाई है हमारा यहाँ का यूथ लीडर है, ओले पुरंग यूथ वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है, तो उसमें उसका घर में आके कल मार जागरा जागरी हुआ और मारपीट होके उन लोग भाग गया। तो इसी का कारण से आज हम लोग इस जस्टिस के लिए हम लोग यहाँ में धरना चल रहा है और रोड ब्लॉक करने के लिए कोशिश कर रहा है। आप लोग कोशिश कर रहे हैं ना, रोड ब्लॉक करके रखा है सुबह से करके रखा था, तो अभी छोड़ दिया आप लोग? अभी रिक्वेस्ट ऑफ द ADC, वी हैव स्टॉप द मूवमेंट एंड ऑल्सो सेम टाइम वी हैव सबमिट मेमोरेंडम फॉर 24 आवर्स, कल्प्रिट शुड बी अरेस्टेड। तो ऐसा बताइए कि कोई कहीं से आ करके कोई गांव में कोई मारपीट कर लेता, ऐसा कुछ घटना शायद पहले हुआ होगा शायद ना? दिस इज़ अ फर्स्ट टाइम, और हम लोग का ऐसे पहले का ज़माना हो रिवेंज सिस्टम होता है गांव में जाके अटैक करना, अभी ये तो आजकल दुनिया में ऐसे नहीं है। तो हम लोग का डिमांड हुई है द 30 पीपल हैज़ टू बी अरेस्टेड, तो हम लोग पीसफुल चाहिए और वी वॉन्ट टू सपोर्ट लॉ इन्फोर्समेंट। सपोर्ट लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, क्या आप लोगों ने FIR लॉन्च किया है? और जो विक्टिम जिसको चोट लगा वो कहाँ है अभी? वो अभी नाहरलगन में है, ड्रीम्स में। FIR आप लोगों ने लॉन्च किया? FIR लॉन्च किया, केस रजिस्टर हो गया? केस रजिस्टर हो गया, ओसी हैज गिव एश्योरेंस। आप लोगों का ADC का साथ बात हुआ, पाके किसांग का OC का साथ भी बात हुआ, सगाली OC का साथ भी बात हुआ, आप लोगों का क्या एश्योरेंस मिला? उन लोग का यही कहना है कि दे विल अरेस्ट द कल्प्रिट एज सुन एज सुन पॉसिबल। तो आपका 24 आवर में हो जाएगा ना, और डिले भी होने से भी आप लोग एडजस्ट करेगा? लेट्स सी व्हाट द सिचुएशन कम। सब क्या स्टेटस क्या है रोड ब्लॉकेट का, और कुछ केस रजिस्टर हुए यहाँ? हाँ, ये जो लेपोरियांग सर्कल में जो राइक विलेज में जो इंसिडेंट जो हुआ था, उसमें हमने केस रजिस्टर्ड किया है सगाली PS केस नंबर 1/21 अंडर सेक्शन 447 379
323 और 34 IPC के तहत हमने केस रजिस्टर किया है। और हम आज लेपोरियांग जो वहाँ पे लेपोरियांग सर्कल में जो हाईवे में जो रोड जो ब्लॉकेज था उनको मैंने हमने यूथ वहाँ के यूथ और वहाँ के पब्लिक और सीनियर्स सबसे रिक्वेस्ट करके हमने हटवाया। अभी खाली कर दिया गया है और अभी कोई ब्लॉकेज नहीं है, ट्रैफिक अभी फ्री मूवमेंट है। और हम ये जो केस अभी जो रजिस्टर किया है तो पुलिस जो अपना कानूनी कार्रवाई जो करना है वो अभी हम करेंगे। और हम मैं आशा करता हूँ कि इसमें डेफिनेटली हम इसका मुहिम तक पहुँचेंगे। सर लेपोरियांग में अभी कोई लॉ एंड ऑर्डर का तो ऐसा सिचुएशन नहीं है कि कोई ट्रैफिक ईटानगर से मूवमेंट हो तो प्रॉब्लम हो? नहीं, अभी कोई ट्रैफिक का कोई इशू नहीं है। अभी हमने गांव वालों को वहाँ के जो पब्लिक है उनको हमने रिक्वेस्ट किया और ये लोग मान गए हैं, क्योंकि पुलिस को काम करना पड़ेगा। वहाँ पे रोड ब्लॉकेज होगा तो फिर पुलिस वहाँ पे भी लगना पड़ेगा, फिर कल्प्रिट्स के पीछे भी भागना पड़ेगा। तो इसीलिए ये लोग समझ गए हैं, अभी कोई रोड ब्लॉकेज नहीं है, अभी क्लियर है, ट्रैफिक अभी खुला हुआ है। थैंक यू।